अस्सलाम वालेकुम। इंसान जो जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन से गुज़रते हैं, तो आपको एक बात की समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है कि ज़िंदगी एक ऐसी दौड़ है जहाँ पे आपने खुद ही भागना है, ऐसी लड़ाई है जो आपने खुद लड़नी है, ऐसा मलाखड़ा है जहाँ पे आपने खुद ही खाड़े में उतरना है और आपने अपनी ज़ात अपनी ऊपर भरोसा करते हुए अपनी लड़ाई को लड़ना है। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, लोगों की ओपिनियन की आप परवाह करते हैं, लोगों को कहते हैं जी कोई नाराज़ ना हो जाए आपसे, आप उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, आप अकेले चल रहे होते हैं सड़क पे, रोड पे, गली में। तो अच्छी बात यह है कि इंसान को समझ आ जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि शायद आप ही समझते हो और आप कुर्बानियां देते चले जाते हैं, लेकिन जो जो आप मेच्योर होते हैं, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, ज़िंदगी के साल गुजरते जाते हैं, आप अपनी उम्र के दूसरे दौर में आ जाते हैं जहाँ पे आप बुढ़ापे की तरफ चल रहे होते हैं, तो फिर आपको ये बात समझ आती है कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है ज़िंदगी गुजारने का, हमें अपनी ज़ात का ख्याल भी करना चाहिए, अपनी फैमिली का ख्याल करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि अभी भी आप ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फलां नाराज़ ना हो जाए, फलां खफा ना हो जाए। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है कि इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद ये बात समझ आई है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें। अगर यंग एज से आपको समझ आ जाए, ख्याल करें अपने दोस्तों का, अपने रिश्तों का, सब लोगों का, लेकिन इस हद तक कुर्बानी न दें कि जहाँ पे आप अकेले रह जाएं और दुनिया आपसे बेनिफिट लेके, आपसे फ़ायदा लेके आगे निकल जाए। तो आपने कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना है अपने आप को, कुर्बानी ज़रूर दें लेकिन कुर्बानी का बकरा मत बने, और अपना ख्याल करें, अपनी फैमिली, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें। आपकी ओपिनियन, आपकी अक्ल, आपकी सोच बहुत मैटर करती है और उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है अपनी फलाह के लिए, अपनी फैमिली और अपने बच्चों की फलाह के लिए। अल्लाह आप सबका आमीन असर हो। बल्कि एक मैसेज देना चाह रहा था कि ज़िंदगी की हकीकतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और लड़ाई आपने खुद ही लड़नी है, अकेले ही चलना है, इस बंपी राइड को आपने खुद लेके आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे।